Hello friends, welcome to e-learning program. My name is Rajendra Kumar Arora and at present I am working as head of the department in commerce and management department at government college Kethal. Aaj ki is e-learning class ke andar hamara subject hai business statistics aur business statistics ke andar jo aaj ka hamara topic hai wo hai time series the measurement of trend. ये जो टॉपिक है ये बी कॉम में एम कॉम में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में एडवांस स्टैटिस्टिक्स में और जितने भी क्लासेस हैं जहां पर स्टैटिस्टिक्स आता है और जिनके सिलेबस में टाइम सीरीज है उन सब जगह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट स्टार्ट टाइम सीरीज मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड. तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये टाइम सीरीज है क्या और इसको हम दो डेफिनेशंस के जरिए समझते हैं. देखिए जी, पहली डेफिनेशन है हमारे पास कैनी एंड कीपिंग की. जिन्होंने टाइम सीरीज को डेफिनेशन दी है वो है अ सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन द टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज. यानी कोई भी डाटा का सेट जो समय के आधार पर है, टाइम के आधार पर है, लाइक 1990 का इतना, 1991 का इतना, 92 का इतना, दैट मींस इन अकॉर्डेंस विद टाइम. तो वो जो भी डाटा टाइम के अकॉर्डिंग होगा उसे हम क्या कहेंगे, टाइम सीरीज कहेंगे. इसी बात को हम एक और डेफिनेशन के जरिए समझते हैं. ये है टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डाटा अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली. दैट मींस जो डाटा क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड हो, दैट मींस इन अकॉर्डेंस विद टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइम सीरीज कहेंगे. अब कोई एक तरह का डाटा जो हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है उसके हमें फायदे क्या क्या है, लेट्स सी. दीज आर फ्यू यूटिलिटीज ऑफ टाइम सीरीज. नंबर फर्स्ट, टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डाटा. हमें पता है कि कोई फिगर 1990 में इतनी रही, 91 में इतनी रही, 92 में इतनी रही, 93 में इतनी रही, 94 में इतनी रही, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उस पर्टिकुलर सीरीज का बिहेवियर कैसा है. यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज बढ़ रही है या वो चीज घट रही है, तो इससे हमें पास्ट बिहेवियर का पता चलता है डेटा के. और दूसरी चीज क्या, टू फोरकास्ट द फ्यूचर बिहेवियर. देखिए अगर हमें पास्ट बिहेवियर का पता चलता है तो उसके आधार पर हम बड़ी आसानी से भविष्य में होने वाले बदलाव का अंदाजा लगा सकते हैं जो कि हम इस टाइम सीरीज के अंदर करेंगे. और हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल्स. व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. अब अगर हमारे पास पुराने उतार चढ़ावों का डाटा अवेलेबल है तो उसके आधार पर हम व्यापार में आने वाले अगले उतारों और चढ़ावों के बारे में बड़ी आसानी से अंदाजे लगा सकते हैं और टाइम सीरीज इसमें बड़ा ही हेल्पफुल है. और क्या जी, कंपैरिजन विद अदर टाइम सीरीज. यानी कि अदर टाइम सीरीज के साथ हम बड़े इजीली कंपेयर कर सकते हैं. सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का डाटा, सपोज 2001 से लेके और 16 तक का हमारे पास डाटा है दो कंपनियों का, तो टाइम के अकॉर्डिंग उन दोनों कंपनीज के डाटा को हम बड़ी इजीली कंपेयर कर सकते हैं. तो ये थे हमारे कुछ फायदे टाइम सीरीज की समझ के. अब देखते हैं कि टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. जैसे कि मैंने कहा जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड. तो ट्रेंड के अलावा भी तीन और बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज के. चलिए इकट्ठे स्टडी करते हैं चारों कंपोनेंट्स को. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. फर्स्ट वन इज सेकुलर ट्रेंड, सेकेंड वन इज सीजनल वेरिएशन, थर्ड वन इज साइक्लिकल वेरिएशंस एंड फोर्थ वन इज इरेगुलर वेरिएशंस. सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड की. ट्रेंड इज बेसिकली नोन टू बी द चेंज इन डाटा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी कोई भी डाटा हमारा एक लंबी अवधि में चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो ट्रेंड है. लाइक 1990 से लेके अगर हमारे पास 2016 का डाटा है और वो डाटा में अगर चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि दिस इज अ ट्रेंड. अब दूसरा कौन सा है, सीजनल वेरिएशंस. जैसा कि नाम से ही पता है सीजन्स. देखिए हमारे पास साल में न जाने कितने अलग अलग सीजन्स आते हैं.
सबसे पहले शुरुआत होती है सर्दियों से, फिर बसंत ऋतु आती है, फिर गर्मियां आती हैं, फिर वर्षा ऋतु आती है और उसके बाद ऑटम और विंटर्स आते हैं। तो अलग अलग सीजन की अकॉर्डिंग बाजार में भी परिवर्तन होते हैं और बाजार के साथ डाटा में भी परिवर्तन होते हैं। अब अगर आप फ्रिज की बात करें तो फ्रिज की डिमांड गर्मियों में बहुत ज्यादा रहेगी लेकिन सर्दियों में आकर कम हो जाएगी, और सर्दियों में किस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, सर्दियों में वूलन्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब डाटा सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सीजनल वेरिएशंस। तीसरी बात है क्या, साइक्लिकल वेरिएशंस। साइक्लिकल वेरिएशंस के बारे में जब भी हम बात करते हैं चेंज इन डाटा फ्रॉम 2 years टू अप्रॉक्सीमेटली 10 years, यानी 2 साल से 10 साल के अंदर अगर व्यापार में या किसी भी डाटा के अंदर कोई चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो साइक्लिकल वेरिएशंस है। बाजार के अंदर अलग अलग तरह से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी बूम आएगा, कभी रिसेशन आएगा, कभी रिकवरी आएगी। तो अलग अलग इन जो वेरिएशंस हैं उनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, साइक्लिकल वेरिएशंस के अंदर करते हैं। दैट मींस चेंज इन डाटा इन अकॉर्डेंस विद द बिजनेस साइकिल। एंड फोर्थ वन इज इररेगुलर वेरिएशंस। इररेगुलर वेरिएशंस वो होती हैं जिसका किसी तरह से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इट इज लाइक एन एक्सीडेंट। अगर सपोज अब भूकंप आ जाए और एकदम से बहुत बड़ी तबाही हो जाए तो उसमें सारा का सारा व्यापार हिल जाएगा और जो डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन सब गड़बड़ा जाएगी। तो ऐसे में अगर कोई डेटा में चेंज होता है तो उस चेंज को हम कहेंगे इररेगुलर चेंज। तो ये थे हमारे चारों कंपोनेंट्स टाइम सीरीज के। आज के हमारे इस ई-लर्निंग क्लास में हम सीख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। So let's talk about the different methods of measuring trend. हमारे यहाँ पर जो measurement of trend के लिए हैं वो 2 methods हैं। First is moving average method and second one is least square method. तो चलिए एक एक करके study करते हैं। पहले हम बात करते हैं moving average method की। Moving average method के अंदर देखिए जी, हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास क्वेश्चन होगा कि 3 year मूविंग एवरेज पे, 4 year मूविंग एवरेज पे या 5 year मूविंग एवरेज के ऊपर आप ट्रेंड लाइन बनाओ या मूविंग एवरेज का हमें रिजल्ट निकाल के बताओ। तो ऐसे में जो हमारे सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक वो क्वेश्चंस जिसके अंदर हमें ओड पीरियड मूविंग एवरेज की बात करेंगे, यानी 3 साल की मूविंग एवरेज, 5 साल की मूविंग एवरेज, 7 साल की, और दूसरी तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम किन की बात करेंगे, इवन पीरियड मूविंग एवरेज, यानी 2 year मूविंग एवरेज, 4 year मूविंग एवरेज, 6 year मूविंग एवरेज। तो एक एक करके मैं दोनों ही तरह के एग्जांपल्स को लेता हूं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ओड पीरियड मूविंग एवरेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और इवन पीरियड मूविंग एवरेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 1981 से लेकर 1987 तक का डाटा लिया गया है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड कितने हैं, 7, और वी हैव टू फिट द ट्रेंड लाइन यूजिंग 3 year मूविंग एवरेज मेथड। तो यहां पर क्या है कि मुझे 3 year मूविंग एवरेज के आधार पर ट्रेंड लाइन को बनाना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये मेरे पास डाटा है ईयर का और प्रोडक्शन का। 1981 में 412 प्रोडक्शन था से लेके 1987 में 490 प्रोडक्शन है। तो अब यहां पर मैं अगर 3 year मूविंग एवरेज की बात करता हूं तो सबसे पहले ये देख लीजिए 1981 से लेके और 1983 तक कितने हुए, 3 साल हुए। तो 3 साल की जो डाटा है मैंने उसको क्या कर लिया, यहां प्लस कर दिया, ये प्लस किया, ये कितना आ गया 1296। ऐसे ही मैंने फिर 82 से लेके और 84 तक के डाटा को लिया, तीनों को क्या कर लिया, प्लस कर लिया और निकाल दिया 1338 ये। ओके, फिर मैंने क्या किया 1983 से लेके 85 के डाटा को लिया और वहां से मैंने क्या कर लिया, तीनों को प्लस करके ये फिगर निकाल दी। फिर मैंने क्या किया 1984 से 86 को लिया, फिर तीनों को प्लस करके ये फिगर निकाल दी और फिर 1985 से लेके और
सासे को लिया, जिससे लेके मैंने ये फिगर निकाल दिया। तो क्या किया मैंने, यहां तीन तीन सालों के डाटा को लिया, लेकर जोड़ा और जोड़कर एक फिगर निकाल दिया। अब चूंकि 85 से आगे नहीं चल सकते, 86-87 के बाद आगे हमारे पास 88 का डाटा नहीं है, तो मैंने वो कैलकुलेशंस वहीं की वहीं रोक दी। रोकने के बाद हमारे पास 1981 का कोई डाटा नहीं रहा, 1987 का कोई डाटा नहीं रहा, 82, 83, 84, 85 और 86 के हमारे पास ये फिगर्स आ गए। अब चूंकि ये 3 ईयर मूविंग एवरेज है, तो ये बेसिकली क्या है, 3 ईयर मूविंग टोटल्स, जिनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 3 ईयर मूविंग एवरेजेस के अंदर। तो ऑटोमेटिकली अगर एवरेज निकालनी है, मेरे पास 3 ईयर का टोटल है, तो क्या करूंगा मैं, 3 से डिवाइड करके फिगर निकाल दूंगा। तो एक मेरी 432 फिगर निकल गई, 46 करते करते ये 481 तक की फिगर्स मेरे पास आ गई। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, देखिए ये देखिए, ये मेरे ईयर के अकॉर्डिंग जो मेरा ओरिजिनल डाटा है प्रोडक्शन का वो ये रहा, और ये जो मेरी मूविंग एवरेजेस है ये आ गए। इनके आधार पर एक्स एक्सिस पे रखा मैंने टाइम और वाई एक्सिस पे रखी प्रोडक्शन। जो मेरी प्रोडक्शन लाइन है वो है ये येलो टाइप की, और जो मेरी फाइनल ट्रेंड लाइन है वो है ये ब्लू टाइप की। ये ट्रेंड लाइन निकालना और डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग समझना ही हमारा पर्पस है टाइम सीरीज का। तो मूविंग एवरेज मेथड के आधार पर हमने ये जो ट्रेंड लाइन निकाली मूविंग एवरेज की, ये हमें फ्यूचर प्रिडिक्शन के अंदर बड़ी ही हेल्पफुल है। अगर हम इस लाइन को आगे लेकर जाएं तो हम अगले के सालों के डाटा को इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां मैं इवन पीरियड मूविंग एवरेज की बात करूंगा। दैट मींस फिट ए ट्रेंड लाइन यूजिंग 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। यहां मैं कितने सालों की मूविंग एवरेज ले रहा हूं, 4 सालों की मूविंग एवरेज। मेरे पास डाटा है 1970 से लेके 1979 तक का। अब इस डाटा के अंदर मैं क्या करूंगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 3 साल के मूविंग टोटल्स को लिया था, अब यहां क्या करेंगे, 4 साल के मूविंग टोटल्स को लेंगे। 1970, 71, 72 और 73 ये रहा मेरा कितना, 4 सालों का। और 4 सालों को अगर मैं मूविंग टोटल करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 7 + 8 + 9 + 11 = 35। देन मैंने 8 से लेके 10 यानी 1971 से लेके 1974 तक के 4 साल के डाटा का टोटल कर लिया और ये कितना आ गया, 38। अकॉर्डिंगली 1972 से लेके 75 तक का किया तो 42 आ गया, फिर 73 से लेके 76 तक का किया तो 41 आ गया, फिर 74 से लेके 70 तक का किया तो 36 आ गया, फिर 75 से लेके 78 तक का किया तो ये 31 आ गया, फिर 76 से लेके 79 तक का किया तो ये 29 आ गया। ये क्या हुआ, मैंने 4 साल के मूविंग टोटल्स को लिया। अब यहां पर एक और समझने की बात यह है कि जब 3 साल के मूविंग टोटल को लेंगे तो वह एग्जैक्टली किसी न किसी ईयर के सामने आएंगे, जबकि अगर मैं 4 साल के मूविंग टोटल को लेता हूं तो वो लाइक 1970, 71, 72 और 73, तो इनका जो सेंटर है वो 71 और 72 के बीच की फिगर बन रही है। बीच के इलाके के लिए ये देखिए, यहां पर क्या है, मैंने खाली जगह छोड़ी है ताकि आप इजीली समझ सकें कि 71 से 72 तक के बीच के डाटा को कहां लिखना है। तो ये क्या आ गया, मेरा 4 ईयर मूविंग टोटल आ गया। 4 ईयर मूविंग टोटल तो आ गया, लेकिन इसको मैं 71 और 72 के सामने, किसके ईयर के सामने लिखूं, ये मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा। चलिए इस डाटा को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जो एग्जैक्टली किसी न किसी ईयर के सामने ये डाटा फिक्स हो जाए। अब जैसे 4 ईयर मूविंग टोटल्स आ गए मेरे, अब मैं क्या करता हूं, 2 पीरियड मूविंग टोटल्स और 4 ईयरली मूविंग टोटल्स, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को क्या किया मैंने, फिर जोड़ दिया तो क्या आ गया मेरा, 73। फिर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, आ गया कितना, 80। फिर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, आ गया कितना, 83। फिर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, लाइक दिस वे एंड लाइक दिस।
ये करने के बाद जो मेरी ये फिगर्स आई हैं, ये फिगर्स अब देखिए किसके सामने है, 73 को मैं अगर भेजूं तो ये किसके सामने है, 1972 के सामने है, फिर 80-1973 के सामने, अकॉर्डिंगली 72 से 77 के बीच में हमारी सारी 8 ईयरली मूविंग टोटल्स आ गई, 4 × 2, 4 × 2 = 8। अब मेरे पास से कितनी फिगर्स हैं, ये 8 फिगर्स का टोटल है। अब मुझे क्या निकालनी है, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, तो क्या करूंगा, सबको 8 से डिवाइड कर दूंगा। 8 से डिवाइड करने के बाद ये मेरी फिगर्स आ गई जो मेरी ट्रेंड लाइन को या मेरी मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है। चलिए देखते हैं, ये रहा, ये मेरा ओरिजिनल डाटा रहा, सेल्स इन करोड़, एंड दिस इज माई मूविंग एवरेज अकॉर्डिंग टू 4 ईयर मूविंग एवरेज। और इसको मैं ग्राफ पर बड़ी आसानी से दिखा सकता हूं, ये जो मेरा है इयर्स का डाटा है 1970 से लेकर 79 तक का, और ये मेरी सेल्स इन करोड़ है। तो ये जो येलो वन आप देख रहे हो ये एक्चुअल डाटा है सेल्स का, और ये ब्लू वन जो है वो क्या है, मेरी मूविंग एवरेज है। तो ये था 4 ईयर मूविंग एवरेज के आधार पर ट्रेंड लाइन को निकालना। चलिए अब दूसरे मेथड को समझते हैं, इस मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड, फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जैसा कि आपने रिग्रेशन के अंदर जब हमने 2 वेरिएबल्स की स्टडी को किया था, तो वहां पर 2 वेरिएबल्स की स्टडी के लिए रिग्रेशन लाइन निकालनी होती थी तो हम 2 इक्वेशंस का सहारा लेते थे, लाइक दिस वे यहां पर भी हमारा y = a + bx है जो हमारी एक ट्रेंड लाइन है, जिसमें x वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y वेरिएबल क्या है, हमारा टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा डाटा दिया हुआ है उसको अगर मैं लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू इस लाइन पर फिट करता हूं तो बड़े इजीली मैं कमिंग ईयर्स की प्रिडिक्शन कर सकता हूं। चलिए जानते हैं कैसे। इसके भी आगे 2 मेथड्स हैं, एक मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। तो चलिए एक एक करके दोनों मेथड्स की स्टडी करते हैं। ये देखिए जी, ये मेरा पहला डायरेक्ट मेथड का जो सम है उसके अंदर ईयर के अकॉर्डिंग 6 साल का डाटा मेरे पास है प्रोडक्शन का, 5, 7, 9, 10, 12 और 17। अब मुझे क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग इस डाटा को एनालाइज करके आगे का काम करना है। तो सबसे पहले हमारा एन कितना आ गया, 6। प्रोडक्शन का टोटल कितना आ गया, प्रोडक्शन को मैंने वाई कहा और एक्स किसको कहा, ईयर्स को। अब ईयर्स को एक्स कहेंगे तो 1979 बड़ी अजीब सी फिगर है, तो मैंने क्या किया, एक्स डाटा को ईयर से रिप्रेजेंट करने के लिए 1979 को मैंने 1 माना, अकॉर्डिंगली 1980 को 2 माना, 81 को 3, 82 को 4, 83 को 5, 84 को 6। ऐसा करने से मेरे पास एक्स की 1 से लेकर 6 तक की वैल्यूज आ गई। अब x मेरे पास है, y मेरे पास है, तो इसके आधार पर बड़े इजीली हम इक्वेशंस तैयार करेंगे और इन इक्वेशन से ट्रेंड लाइन को निकालेंगे। तो क्या सिग्मा y निकाला, सिग्मा x निकल गया, एक्स वाई करेंगे तो y और x की मल्टीप्लीकेशन लाइक 5 × 1 = 5, 7 × 2 = 14, 9 × 3 = 27, 10 × 4 = 40, 12 × 5 = 7। तो ऐसे करके एक्स वाई निकल गया और ये मेरा सिग्मा एक्स वाई निकल गया 248, और एक जो मैंने लिया वो क्या लिया, एक्स स्क्वायर। अब आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैंने कैलकुलेशंस क्यों की, ये कैलकुलेशंस की आगे की इक्वेशंस में इसको फिट करने के लिए जो लीस्ट स्क्वायर मेथड के हिसाब से हमें चाहिए। ये देखिए, ये तो है मेरी ट्रेंड लाइन y = a + bx, और ये वो इक्वेशंस है जिनकी मैं बात कर रहा था और जिनको आपने कभी कहीं रिग्रेशन में भी पढ़ा था। तो जो 2 नॉर्मल इक्वेशंस है, σy = na + b σx एंड σxy = a σx + b σx2। तो अब मेरे पास σy की भी वैल्यू है,
सिग्मा एक्स वाई की भी वैल्यू है, सिग्मा एक्स की भी वैल्यू है और सिग्मा एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू है। मैंने क्या किया, जो मेरा पिछला सॉल्यूशन था उसके अंदर से वैल्यूज को लिया और यहां पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद मेरी जो इक्वेशंस बनी वो बनी 60 इज इक्वल टू 6a प्लस 21b एंड 248 इज इक्वल टू 21a प्लस 91b। अब इन इक्वेशंस के आधार पर मुझे a और b की वैल्यूज को निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप देखिए मैं क्या करता हूं, a के लेवल को मैं कहीं ना कहीं बराबर करता हूं। तो मैंने क्या किया, टू इक्वेशंस के अंदर फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से ऊपर वाली जो फिगर आ गई वो 420 इज इक्वल टू 42a प्लस 147b आ गई और दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, 496 इज इक्वल टू 42a प्लस 182b। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं a या b दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू को क्या कर सकूं, इक्वल कर सकूं। और यहां मैंने किसकी वैल्यू को इक्वल किया है, एग्जैक्टली a की वैल्यू को इक्वल किया है। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, ऊपर वाले केस में भी 42a है और नीचे वाले केस में भी 42a है। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को क्या करता हूं, सबस्ट्रैक्ट यानी घटाता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां मेरा 42 कट जाएगा और -76 इज इक्वल टू -35b आ गया, जिससे मेरी b की वैल्यू निकल गई 2.17। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने उस b की वैल्यू को पहले इक्वेशन के अंदर रख दिया, जो मेरी पहली इक्वेशन थी उसके अंदर मैंने b की वैल्यू को रखा और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो बड़े इजीली मेरी a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 2.40। Hence, जो मेरी ट्रेंड लाइन है वो क्या बन गई, अब यहां y इज इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17x, जहां मेरा ओरिजिन था 1978 और यूनिट था 1 ईयर। अब इसके आधार पर बड़े इजिली मैं ट्रेंड लाइन निकाल सकता हूं। ये देख लीजिए, 1979 को मैंने 1 माना था, 80 को 2 माना था, 81 को 3 माना था, ऐसा किया था। ऐसा करने के बाद उस इक्वेशंस के अंदर मैं x की जगह पर क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख दी। रखने के बाद जब इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरी y की वैल्यूज आ गई। दिस इज माय आंसर कि भाई ये तो मेरा ओरिजिनल डाटा था, प्रोडक्शन इन लैक्टेंस, एंड दिस इज माय ट्रेंड लाइन। इसको हम बड़े इजीली ग्राफ पर भी डिपिक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए, ये मेरा प्रोडक्शन का डाटा, ये मेरी ट्रेंड लाइन। अब जो मुझे येलो दिखाई दे रही है ये मेरा एक्चुअल डाटा है जो मैंने ग्राफ पर रखा, और ट्रेंड लाइन बिल्कुल देखिए स्ट्रेट जा रही है। जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है इसमें हमारी ट्रेंड लाइन एकदम से स्ट्रेट जाएगी लाइक दिस। ये कौन सा था, लीस्ट स्क्वायर के अंदर डायरेक्ट मेथड। अब अगली जो मैं बात करता हूं वो करता हूं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड के अंदर हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हमारी जो दो नॉर्मल लाइंस थी उनको हम इस हिसाब से सॉल्व करते हैं कि ए और बी की वैल्यूज निकल जाती है। अगर मैं उन इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं, वो जो ए की वैल्यू है वो क्या है हमारी, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन, और जो बी की वैल्यू है वो है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब शॉर्टकट मेथड को भी हम अलग अलग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ इयर्स इज ओल्ड एंड व्हेन द नंबर ऑफ इयर्स आर इवन। तो ओल्ड, पहले ओल्ड का मेथड देखेंगे फिर इवन का मेथड देखेंगे। लीजिए जी, ये एक मेरा ओल्ड डाटा है, ईयर 1993 से लेकर 1999 तक के हैं, और प्रोडक्शन का जो डाटा है जिसे मैं वाई कहता हूं वो 80, 90, 92, ये मेरा 7 ईयर्स का डाटा है। और ये 7 ईयर कैसे होते हैं, 7 ईयर होते हैं ओल्ड। तो ओल्ड पीरियड के केस में, अब पहले तो मैंने क्या किया था, 93 को 1 माना था, 94 को 2 माना था, ऐसे करके चले थे। अब मेरे को अगर इसको छोटा करना है तो मैं थोड़ा सेंटर की तरफ बढ़ूंगा,
93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है 96। क्यों ना मैं इस 96 ईयर को क्या मान लूं, एक्स जीरो मान लूं। अगर मैं इसे जीरो मानूंगा तो जो ऊपर का पार्ट है यानी 95, 94, 93, दे विल बी इन द माइनस, लाइक माइनस वन ईयर फ्रॉम 96, माइनस टू ईयर फ्रॉम 96, माइनस थ्री ईयर फ्रॉम 96। Then 97 will be 1 year plus of 96, 98 will be 2 year plus of 96. Like this way, मेरे पास जो x की figures आई हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ना आने की बजाय माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 आती। इससे क्या होगा, मेरी calculations काफी छोटी हो जाएंगी। और ये जो शॉर्टकट मेथड है इसका प्रयोग भी हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस को क्या कर सकें, छोटा कर सकें। तो एक तो मैंने यहां से कैलकुलेशंस को छोटा किया, दूसरा मैंने ए और बी के डायरेक्ट फॉर्मूलाज को ले लिया। तो पहले मैं सिंपल कैलकुलेशंस कर लेता हूं, प्रोडक्शन का टोटल किया तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू 630, देन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0, देन सिग्मा एक्स वाई एंड देन सिग्मा एक्स किया। तो ये मैंने सारे के सारे टोटल्स कर लिए। अब आगे क्या करना है, बड़ा ही आसान काम है। ए के लिए सिग्मा वाई ओवर एन और बी के लिए सिग्मा एक्स वाई ओवर सिग्मा एक्स वाई। तो ए इज इक्वल टू 630/7, बी इज इक्वल टू 56/28। तो ए मेरा आ गया 90 और बी मेरा आ गया 2। तो जो मेरी रिग्रेशन लाइन बनी या ट्रेंड लाइन बनी, वाई इज इक्वल टू 90+2x बनी। अब इस लाइन के आधार पर पहले मैंने क्या किया था, वहां 1, 2, 7 थे, लेकिन अब हमने क्या किया, यहां जो x की वैल्यूज हमने डिटरमाइन की थी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 उनको लिया। और यहां पर अगर मैं इन वैल्यूज को पुट किया तो ये देखिए ये मेरी ट्रेंड वैल्यूज आ गई। कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। तो ये मेरा ओरिजिनल डाटा, ये मेरा ट्रेंड लाइन का डाटा, और इसको मैंने अगर ग्राफ पे रखा तो देखिए कितना सुंदर ग्राफ आपके सामने है, जिसके अंदर जो ब्लू है मेरा वो मेरा एक्चुअल डाटा है और ये ब्राउन लाइन जा रही है ये क्या है, मेरा ट्रेंड का डाटा। अब रह गया इसके अंदर जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, उसमें अगर मेरे पास इवन पीरियड डाटा हो यानी 6 साल का डाटा, 8 साल का डाटा, 10 साल का डाटा, तो ऐसे केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। लीजिए ये देखिए मेरा 8 साल का डाटा है 1961 to 1968 तक, और जो प्रॉफिट है वो वाई है हमारा 80, 90, 92, 83 से लेके 104 तक। अब यहां हम क्या चेंज करें, क्योंकि अब यहां पे एग्जैक्ट हमारे को सेंटर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेंटर कहां होगा वो 64 और 65 के बीच में होगा, यानी 1964 और 65 के बीच में। तो अगर मैं 1964 और 65 के बीच को अपना जीरो मानूं तो जो मेरा 1964 होगा उसको मैं कह सकता हूं -0.5 यानी -1/2। अगर 64 मेरा माइनस हाफ है तो 63 मेरा -1.5, 62 मेरा -2.5 एंड 63 मेरा और सॉरी 61 मेरा -3.5 होगा। ऐसे ही अगर मैं नीचे की तरफ चलता हूं तो 65 विल बी माई 0.5, देन 1.5, देन 2.5 एंड देन 68 जो होगा वो 3.5। अब एग्जैक्टली इस डाटा के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमारे को दिक्कत आ सकती है, देन why not we multiply it by 2 also? तो क्या किया मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट पॉइंटों की फिगर्स में ना आके ना इजीली -7, -5, -3, -1, 1, 2, 3 और सॉरी 1, 3, 5, 7 आ गए मेरे। तो ये क्या आ गया, मेरा नया अच्छे वाला x आ गया। अब इस अच्छे वाले x को और y के डाटा को लेके मैंने सिग्मा y निकाला, n निकाला, यहां सिग्मा x जो कि 0 है, देन सिग्मा xy एंड देन सिग्मा x2। अब क्या करते हैं, इनके आधार पर हम बड़े इजीली a और b की वैल्यूज को निकालते हैं। ये देखिए जी, a is equal to sigma y over n, तो a is equal to 734/8 is equal to 91.75 एंड देन b is equal to 1.25, और जो मेरी ट्रेंड लाइन बनी वो क्या बनी, y इज इक्वल टू
91.75 प्लस 1.25x, जिसमें जो मेरा ओरिजिन था, जो मेरा जीरो था, वो कहां था? 64 और 65 के बीच में, दैट मींस 90 64.5। तो जो मेरी x की यूनिट थी वो क्या थी? हाफ ईयर की थी। अब क्या करते हैं, मैं अगर इसके आधार पे ट्रेंड लाइन निकालूंगा तो ये बन जाएगी मेरी ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन का डाटा आया जो मैंने x की वैल्यूज को रखा, जो क्या थी मेरी -7 -5 -3 -1 थी, तो उनके आधार पर मैंने ये एक्स की लाइन निकाल ली, नए वाली ये ट्रेंड लाइन है। तो ये जो ये डाटा दिखाई दे रहा है वो कौन सा डाटा है? मेरा एक्चुअल डाटा है, और जो ब्लू लाइन है वो हमारी ट्रेंड लाइन है जो 1961 से लेकर 1968 तक की है। तो ये कौन सा मेथड था? ये शॉर्टकट मेथड था जिसके आधार पर हम इवन पीरियड डाटा को सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स, फ्यू क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए, जिनका संबंध किससे था? ट्रेंड से था, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। तो आज के इस लेक्चर में जो हमने सीखा वो सीखा कि टाइम सीरीज के अंदर ट्रेंड को मेजर करने के कौन कौन से मेथड हैं। एक हमने मूविंग एवरेज मेथड सीखा, जिसके अंदर ओल्ड पीरियड एवरेज अलग सीखा और इवन पीरियड एवरेज अलग सीखा। देन लीस्ट स्क्वायर मेथड सीखा, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड भी सीखा और शॉर्टकट मेथड भी सीखा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत रहती है तो YouTube पर ये लेक्चर आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल है, आप वहां जाकर बड़े इजीली इस लेक्चर को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड को सीख सकते हैं। आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।